आज हम जो कहानी सुन रहे हैं उसका नाम है कपड़े बोले। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। रवि आज स्कूल से लौटा तो बहुत खुश था। उसके स्कूल से बच्चों को 4 दिन के कैंप के लिए दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। उसने मम्मी के गले से लटकते हुए कहा, मम्मी डैडी से बोलो ना कि मुझे कैंप में जाने दें, प्लीज। मम्मी ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, डैडी ने परमिशन आज ही स्कूल को मेल कर दी है, तुम तो बस जाने की तैयारी करो। मुझे क्या करना है, दीपक भैया है ना, घर के नौकर की ओर इशारा करके रवि बोला। मम्मी ने कहा, अरे अगर दीपक ने बैग में सामान रख के दे दिया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या सामान रखा है और कहाँ रखा है, और सब जरूरत का सामान रखा भी है या नहीं। ये कैंप नई नई जगहें घूमने, फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजे करने के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर होना भी सिखाते हैं। ए? आत्मनिर्भर होना वो क्या होता है, रवि चौंका तो मम्मी ने समझाया। इसका मतलब होता है अपने सभी काम ठीक से खुद ही करना, बिना किसी दीपक भैया या मम्मी डैडी की मदद के। शुरुआत तुम अभी से करो, अपने कपड़े रखो बैग में। रवि जब कपड़े रख रहा था तो मम्मी ने कहा, पता है ये कपड़े हमसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो रखे हमको तह, हम रखे उसको शह। मतलब ये कि अगर हम कपड़ों को तह करके ठीक से रखेंगे तो जब हम उन्हें पहनेंगे तो हम किसी शहंशाह की तरह लगेंगे। सोचो अगर कपड़ों को ऐसे ही ठूस कर बैग में रखा हो तो जब पहनने के लिए निकालेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। रवि को बात समझ में आ गई। उसने कैंप में जाकर अपने मित्रों को भी ये बात बताई। सर ने जब सुना तो सभी बच्चों को अपने कपड़े संभाल कर तय कर कर रखने का महत्व समझाया। कैंप में बच्चों ने खूब मजे किए, नई नई जगह घूमे, शाम को कैंप फायर में गाने गाए और डांस भी किया। 4 दिनों के कैंप से लौटने पर कई बच्चों ने अपने अपने घरों में बताया, पता है कपड़े हमसे क्या कहते हैं, जो रखे हमको तह, हम रखे उसको शह। तो कपड़े क्या कहते हैं यह आपने भी सुना, उम्मीद है आपको भी बात समझ में आई होगी। यदि हाँ तो इस कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।